हेलो गाइस, आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे से चल रहे हैं एंड इवन इफ दे आर नॉट इट्स फाइन. सीए के एग्जाम्स है गाइस, सीए के एग्जाम्स है, कोई बात नहीं. यहाँ पे हर चीज़ अपने प्लान के हिसाब से नहीं होती है, मैं अभी से आपको बता दूँ. लेकिन अपन क्या गलती कर बैठते हैं कि चलो एक पेपर डिफिकल्ट गया तो दूसरे पेपर्स की पढ़ाई नहीं की. गाइज, ये गलती मैंने की है. मैं आपको मेरा एक एग्जाम्पल बताती हूँ. आईपीसीसी का एग्ज़ाम था एंड मेरा आईपीसीसी का फर्स्ट कॉस्टिंग का पेपर, आई गेस कॉस्टिंग का पेपर अच्छा नहीं गया था. तो आई थॉट कि अभी फर्स्ट ग्रुप तो क्लियर होने वाला है नहीं, एंड मैंने सोचा है कि मुझे दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करने हैं, इसी अटेम्प्ट में, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं, तो मैं आईपीसीसी ग्रुप टू नहीं देती हूँ. सीरियसली आई हैड थॉट ऑफ गिविंग अप. देन माई मॉम केम डाउन टू मी एंड शी जस्ट सेड वन थिंग, रुचा यू हैव एंटर्ड इन टू द फील्ड नाउ. अभी तो ये फील्ड के बाहर, ये मैदान के बाहर तभी निकलेगी जब मैच खत्म होगा. आई डोंट नो अभी स्कोर बोर्ड पे क्या दिख रहा है, आई डोंट नो तेरा परफॉर्मेंस क्या है अभी, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, बट खेल छोड़ के बीच में नहीं भागना है, इतना मैं तुझसे कहूँगी. एंड इट एक्चुअली वर्क्ड गाइज. आई स्टडीड विद डिटर्मिनेशन फॉर द सेकेंड ग्रुप एंड ट्रस्ट मी, जो पेपर डिफिकल्ट गया था उसमें 40 मार्क्स मिले एंड आई क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स. जस्ट इमेजिन मुझे कितना बाद में रिग्रेट होता अगर मैं ग्रुप टू का एग्जाम्स नहीं देती वो एक पेपर के वजह से, जिसमें तो मैं पास भी हो चुकी थी. ये डिफरेंस होता है माइंडसेट का. तो ये मैं गलती करने से बच गई बिकॉज देर वॉज माई मॉम सेइंग मी दिस. मैं आपको ये बात आज बता रही हूँ, ऐसा होता है सीए के एग्जाम्स में. कोई एक पेपर डिफिकल्ट गया भी, मे भी वो आपको लग रहा है डिफिकल्ट, आपको मिल जाए उसमें 40 मार्क्स. इसीलिए बकअप फॉर द नेक्स्ट पेपर्स. और अगर आपको लगता है कि यार चलो नहीं हो रहा है या ऐसे कुछ, मैं तो आपको बोलो यू शुड लर्न आउट ऑफ योर मिस्टेक्स. कि यार 1.5 डे का एग्जाम का प्लानिंग नहीं किया था इसीलिए पेपर अच्छे से नहीं किया, या फिर एग्जाम में पैनिक हैंडल नहीं कर पाया इसीलिए पेपर अच्छे से नहीं गया. जो भी है, ये गलतियों से सीखो. गॉसिप, किसी के गॉसिप्स के साथ यू फेल प्रे कि अच्छा ये पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है इसीलिए एग्जाम अच्छे से नहीं दिया. लर्न आउट ऑफ योर मिस्टेक्स. एक नोट डाउन कर लो कि क्यों मेरा पेपर डिफिकल्ट गया. मे बी मैंने 1.5 डे नहीं किया, मे बी मैंने आरटीपी नहीं किया, मे बी मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं की, मे बी मैंने गॉसिप को फॉल प्रे हो गया, मे बी मैंने एग्जाम के 3 आवर्स प्रॉपरली प्लान नहीं किए. ये जो भी है गलती सामने लिख दो एंड कॉन्शियसली रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दोज मिस्टेक्स. ट्रस्ट मी, द गेम इज नॉट ओवर अंटिल यू क्विट. ट्रस्ट मी गाइज. सो आपको क्विट नहीं करना है. नेक्स्ट दोनों पेपर्स में 60+ का एम करके चलते हैं, सो दैट वी कैन बैलेंस थिंग्स अप. यू कैन स्टिल डू इट. यू हैव स्टडीड यार गाइज, यू हैव स्टडीड. प्लीज अभी बीच में नहीं छोड़ना है. नो यू माइट फील डिप्रेस्ड नाउ, यू माइट फील स्टक समवेयर, बट दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप. दिस इज द टाइम टू पुश योर सेल्फ. दिस इज द टाइम टू टेल योर सेल्फ आई हैवंट कम दिस लॉन्ग टू ओनली कम दिस लॉन्ग. अभी मैदान में उतर ही चुकी हूँ तो मैं खेल कर ही निकलूंगी. आई एम गोइंग टू नॉट क्विट अंटिल द गेम इज ओवर. ठीक है, और आप कर सकते हो. यू हैव स्टडीड इनफ, यू हैव पुट इन द एफर्ट्स. बस अभी लास्ट के कुछ और दिन हैं, कुछ और दिन. मेंटेन योर काम, मेंटेन योर पेशेंस. एग्जाम्स के बाद करेंगे ना अपन, एग्जाम्स के बाद अपन अपनी गलतियां रियलाइज करेंगे. कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन सा, हाउ वी कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, ये सब इस चैनल पे मैं डालने वाली हूँ. उसके बारे में चिंता मत ही करो. तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख दो, बेल आइकॉन को हिट करके रख दो. आई एम नॉट गोइंग टू लीव योर लिटिल फिंगर अंटिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो बिल्कुल बाकी सब चिंता मेरे पे छोड़ दो, आप बस पढ़ाई करते रहो. ठीक है गाइज, चलो कीप ऑन वर्किंग हार्ड. ऑल द बेस्ट.